So, hello my dear Mitro, I Sanuk Kumar welcome you all to our online board platform Online Shiksha. Today we are going to discuss our main chapter and that is about AC. So friends, my dear students, हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली इंडिकेटर्स क्या हैं, जिसमें हमने लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोलफेथलीन, टर्मरिक, रेड कैबेज जैसे पूरे इंडिकेटर्स की फुल स्टडी की थी। आई होप आपको उस चीज़ के, उस टॉपिक की सारी नॉलेज है। और अब हम मूव करने वाले हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली डे टू डे लाइफ में वो सारे सब्सटेंस, वो सारे चीज़ें जिनको खा करके आपको एक खट्टेपन का अंदाज आता है, जिससे आप आवाज निकालते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। मींस वो सारे चीज़ जिनकी टेस्ट सावर होती है उनको हम एसिड्स कहते हैं। और आपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें भी देखा होगा कि एसिड्स की एक मेन प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ए बी मींस एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी एसिड्स की एक इंडिकेशन, एक पहचान, एक डिफिनेशन है। सो बेसिकली जो हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं डिफिनेशन एसिड्स की, वो है एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड वो आप केमिकल सब्सटेंसेस में लिख सकते हैं, विच आर सावर इन टेस्ट, जो स्वाद में, टेस्ट में खट्टे सावर होते हैं, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को ए बी आर एसिड ब्लू रेड को कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम एसिड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने हो सकता है सुने होंगे पहले से, या नहीं सुने हैं तो बस सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। हम इसकी स्टडी ये किया है, इसकी स्टडी आगे लेक्चर्स में करेंगे, जिनके एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCHO फॉर्मिक एसिड, जो आप डंक मारते हैं, आपको कभी देख हनी बीज या आंट्स जो स्टिंग अपने डंक मारते हैं उनमें बेसिकली ये फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जितने भी मींस क्या रस वाले खट्टे जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सब में सिट्रिक, जो सिट्रिस रस वाले जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो आपके कर्ड में, आपके सावर जो मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। और आप इससे ये क्या है, तो ये बेसिकली सावर इन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा टेस्ट करके तो हम हर एक एसिड को नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपने, मैं बताऊं या ना बताऊं, आप डेली लाइफ में भी जरूर सुनेंगे कि एसिड्स बहुत डेंजर होते हैं, हमें एसिड से बच के रहना चाहिए। तो ये हमेशा तो नेसेसरी नहीं कि अगर एसिड है तो हम टेस्ट करके देखेंगे, सावर है तभी एसिड, उस चक्कर में तो कभी कभी गाड़ी भी खुल सकती है। तो उसकी एक जो मेन जो कहा जाए कि मीन्स केमिकली लेबोरेटरी व्यू से जो है वो है क्या कि वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है। दिस वन वाज, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड इज, अगर हम एसिड्स को लेबोरेटरी टर्मिनोलॉजी में बोले तो अगर हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो एसिड H प्लस आयन मींस हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज करते हैं वो एसिड्स जब हम उसे वाटर में डालते हैं, जिसको हम आयोनाइज करना, टूटना कहते हैं, वो बेसिकली एसिड्स होते हैं। मींस दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस एच प्लस आयन, जो एच प्लस आयन को लिबरेट करें, निकाले दें, वेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम उसे वाटर में मिलाएं, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। मीन्स दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच रिलीजेज, लिबरेट्स और प्रोड्यूसेज एच प्लस आयन्स वेन डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड एसिड्स। ये एक
केमिकली लैबोरेटरी व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हर एक कंडीशन में आप उसकी टेस्ट जो सावर है उससे पता नहीं लगा सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं है। इसका रिजल्ट हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली होता क्या है, आप देखिए यहाँ पर HCl है, HCl। तो जब हम HCl को H2O वाटर में डालते हैं तो इसमें से H+ आयन रिलीज हो जाता है। H+ बोले तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर 1 होती है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इसी को हम H+ प्रोटॉन कहते हैं। तो जब कोई केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ रिलीज करे तो हम उसको एसिड कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एसिड्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले एसिड्स आखिर मिलते कहाँ से हैं, तो उस बेसिस पे, उनके ओरिजिन, उनके सोर्स के बेसिस पे हमने एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज सोर्स के आधार पर वो कहाँ से मिलते हैं, तो उस आधार पर हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर स्ट्रेंथ, वे कितने ज्यादा मीन्स ताकतवर एसिड हैं, उस बेसिस पे हम एसिड्स को स्ट्रॉन्ग और वीक, ज्यादा ताकतवर और वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स में क्लासिफाई करते हैं। The next is oxo acids, carbonyl acid and hydra acid। तो ये क्या है basically students, कि वो जो acid है वो किस किस element से मिलकर बना हुआ है। जैसे oxo है तो आपको oxygen, carbonyl है तो carbon, hydra है तो hydrogen, इस type से कुछ concept है कि वो किस किस element से combine हो गया, basically उनका constituent क्या है, उस बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज ऑक्सो, कार्बोनिल एंड हाइड्रा। ओके स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हम ये देखने वाले हैं कि वो कितने H+ रिलीज करते हैं। कुछ एसिड्स 1 H+ रिलीज करते हैं, कुछ 2, कुछ 3 या कुछ 3 से ज्यादा। तो उस आधार पर, उस बेसिस पर हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। इस बेसिस पर हम एसिड से क्लासिफिकेशन को, कि वो कितने H+ रिलीज करते हैं, उसको देखेंगे। सो आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। इसकी नोट्स बनाइए और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सोर्स ऑफ एसिड्स के आधार पर ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स एसिड को। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट टाइप, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए ऑर्गेनिक जनरली मीन्स नेचुरल, मीन्स जो चीज नेचर से मिलती है उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड्स, मीन्स जो नेचुरली बिना किसी सप्लीमेंट्री या फिर साइड केमिकल्स के बिना जो आती हैं उनको हम ऑर्गेनिक चीज कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड से हमारी क्या रिफरेंस है, कि वो एसिड्स जो नेचुरल सोर्स से, नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सो दैट इज दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी वो एसिड्स जो प्लांट मटेरियल से या एनिमल्स से हमें ऑब्टेंड होते हैं, मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ इनके सोर्सेस कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स क्या हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, ये विनेगर में, आपके घर जो सिरका विनेगर होता है उसमें उसकी भी एक थोड़ी खट्टी टेस्ट होती है, जो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस के वजह से विनेगर में होती है। सेकेंड इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे रसीले फ्रूट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, मैंगोज, ये ग्रेप्स, ये सारे सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, रसीले फ्रूट कहलाते हैं, जिनके अंदर खट्टेपन की स्वाद सिट्रिक एसिड के कारण होती है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड, विच इज प्रेजेंट इन कर्ड और सावर मिल्क।
जब हम कर्ड खट्टी हो जाती है तो उसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, और जब दूध फट जाती है खट्टी स्मेल आती है तो उस समय भी मिल्क में लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, इस कारण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड स्टूडेंट्स टोमेटोज में मिलता है, जो टोमेटोज होती हैं उनमें हम ऑक्सैलिक एसिड्स ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, या हम इसे मैथनोइक एसिड भी, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम मैथनोइक एसिड भी कहते हैं, जो हमें आंट स्टिंग हनी बी के स्टिंग में उनके डंक में जो हमें फॉर्म मीन्स एसिड्स की प्रेजेंस होती है जिसे हम फॉर्मिक या मैथनोइक एसिड भी कहते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टैनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन टी। हम जो टी जो चाय पीते हैं स्टूडेंट्स उसमें टैनिक एसिड ऑब्टेंड होता है, एंड इन एप्पल देयर इज मैलिक एसिड विच दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके द पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड नॉर्मली फेवरेबल फॉर आवर फॉर ह्यूमन बॉडी। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, मींस उनकी जो कंसंट्रेशन पावर उनकी जो ताकत होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कमज़ोर एसिड्स होते हैं और वो हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, वेयर एज जबकि कहीं ना कहीं ये फेवरेबल भी होते हैं। सो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप डेट इज मिनरल एसिड्स पर। सो स्टूडेंट्स मिनरल्स एसिड एज द नेम द टाइटल सजेस्ट मिनरल्स मीन्स मिनरल्स से हमें क्या फर्स्ट थिंग क्या आती है कि अर्थ में जो सब्सटेंस अर्थ से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स मीन्स फिजिकल मिनरल्स एंड देयर आर ऑल्सो मिनरल्स इन साइड अ बॉडी विच इज अदर बायोलॉजिकल टर्म। सो मिनरल्स जो वैसे एसिड्स जो धरती के जो अर्थ के नीचे मिनरल्स से निकाले जाते हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मिनरल्स से जिसे निकाला जाता है उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स और इसके एग्जांपल HCl आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा मीन्स बेसिकली मिनरल एसिड ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक मार्कर दो मार्कर के डिफिनेशन में पूछ सकता है कि व्हाट आर द मिनरल एसिड। तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द मिनरल्स inside minerals of earth are called minerals acid and these are the few examples. Okay students, now we are moving towards the other classification based on its strength means उस acid की कितनी ताकत है उस हिसाब से there are two types of acid, weak acids and strong acids. Okay students, तो उस basis पे क्या है The first is strong acid. Strong acid किसे कहते हैं? तो हमने केमिकली एक एसिड की क्या डिफिनेशन दी कि अगर उसे हम एसिड को हम पानी में डालें तो वो आयोनाइज पूरी तरह टूट करके और H+ दे तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ओके उसे हम एसिड्स कहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एसिड को जब हम पानी में डालें तो या तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो करके अ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ दे, यानी वो जितना दे सकता है, लेकिन द अनदर इज कि वो मान लीजिए 4 दे सकता है लेकिन वो कम आयोनाइज होकर के 2 ही दिया एक नॉर्मल टाइम मीन्स नॉर्मल कंडीशन में तो हम उसको वीक कहते हैं। और वहीं अगर एसिड्स अपने पूरे तरह से आयोनाइज होकर के टूट करके एज मच एज पॉसिबल उसके पास जितनी H+ आयन है वो पूरे ही वो दे दे लिबरेट कर दे छोड़ दे तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जबकि अगर कोई एसिड्स अपने पूरी तरह से टूट करके पूरी अमाउंट ऑफ दी H+ को अगर लिबरेट प्रोड्यूस ना करे तो हम उसको वीक एसिड्स कहते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डिफिनेशन क्या है, दोज एसिड्स विच कम्प्लीटली आयोनाइज पूरी तरह से पानी में टूट जाए एंड थस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
मैंने आपको वही बताया, उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम उस एसिड्स को पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा, और एज मच एज पॉसिबल वो जहाँ तक जितनी एच प्लस दे सकता है उतनी एच प्लस देगा, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस देगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, जनरली ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट वन एंड दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। कार्बोनिक एसिड एक ऐसी एसिड है जो मिनरल एसिड तो है ही, लेकिन यह एक वीक एसिड है, जबकि बाकी सारे मिनरल्स एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो नाउ द क्वेश्चन, द सेकंड पॉइंट, द सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनको जैसे कि आप वीक एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या कर सकते हैं, अपने डेली यूज में ईटेबल फूड में ला सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को जो वीक होते हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को नहीं ला सकते हैं। हाउएवर जबकि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पानी में मिला दें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पानी में मिला दें तो उनकी स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है, जिस बेसिस पर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड और डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे किसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं और किसे हम डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट डज कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स? कॉन्सेंट्रेटेड सिंपली मीन्स मैक, जो क्या हिंदी में बोले तो गाढ़ा टाइप मीन्स, बट हियर द कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाउ मच प्योर इट इज। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि वो जो एसिड है वो कितना प्योर है, उसमें कितनी लेस परसेंटेज ऑफ, कम परसेंटेज ऑफ वाटर है, तो जिसमें जितनी कम हो, जिस एसिड में जितनी कम परसेंटेज ऑफ एसिड वाटर या जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ, जितनी प्योर अमाउंट में एसिड होती है उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। वाटर्स की अकंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कम से कम मीन्स एक प्योर एसिड मीन्स जिसमें वली एसिड मटेरियल नहीं हो, एक्सटर्नल नो एलिमेंट्स, नो वाटर हो, वैसे को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेटेड एसिड किसी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। हमारी जो ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स है उसकी भी अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म में बात करें, उसमें से अगर वाटर निकाल दें तो उससे भी हम ऑर्गेनिक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं। मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड हर एक टाइप के जो एसिड्स है उनकी एक सब काइंड हो सकती है जिसमें उनकी प्योर फॉर्म प्रेजेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट इज डाइल्यूट एसिड। अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। और अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग या ऑर्गेनिक एसिड के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यानी प्योर फॉर्म में अगर वाटर मिक्स कर देते हैं तो हम उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। मीन्स डाइल्यूट एसिड क्या हुआ, वैसे एसिड जिसमें एज मच एज पॉसिबल जितने ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिक्स किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में वो ये आता है कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग एनी कंसंट्रेटेड एसिड। किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए, गाढ़े को पतला बनाने के लिए हम किस बेस्ट मेथड, वो हमारा क्या है, तो उसका बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स कि अगर हम वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाएं तो इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग एनी कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट। मीन्स हम जब भी किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो हम वाटर में एसिड को मिलाएंगे, ना कि एसिड में
एसिड में वाटर को मिलाएंगे। ये एक बहुत ही मींस क्या कंफ्यूजिंग वर्ड स्टूडेंट्स को लगती है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से क्लियर कीजिए कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हम वाटर में एक कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाएंगे, न कि कंसंट्रेटेड एसिड में। मींस अगर हमारे पास एक एसिड की जार है तो उसमें हम धीरे धीरे कंसंट्रेटेड एसिड को डालेंगे, न कि एक जार में जिसमें कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें वाटर को डालेंगे। फर्क आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जिस जार में वाटर है उस जार में धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कंसंट्रेटेड एसिड को डालेंगे। तो वहीं मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, अ कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी मेड डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर इन इट। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन, हमेशा कैसे किया जाना चाहिए, बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू द वाटर ग्रेजुअली। कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो इसकी क्या रीज़न है स्टूडेंट्स, तो इसकी रीज़न हम ये है कि जो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड है ये एक बहुत ही एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। तो उस केस में अगर हम वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे डालते हैं तो एक तो धीरे धीरे डालने से उसमें जो हीट जनरेट होता है वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, और वो जो हीट जनरेट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर हम किसी जार में वाटर के जार में कंसंट्रेटेड एसिड को ग्रेजुअली धीरे धीरे डालते हैं तो हीट फॉर्मेशन भी धीरे धीरे होता है, और वो जो थोड़े थोड़े हीट को है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हुए चलता है। लेकिन अगर आप एक कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डालेंगे तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक होता है, उसमें एसिड के प्रति एसिड में वाटर के जाते ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, जिससे वो जो वाटर है वो तुरंत क्या होता है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रीम में भी इतनी एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी कि वो वाटर जो हम डाल रहे हैं वो भी स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और यह एक एक्सप्लोजन एक कोलिजन कर सकता है, एक क्या कहते हैं एक वोल्केनिक इफेक्ट ला सकता है उस पूरे जार में। और ये हमारे आँख के लिए हमारे स्किन के लिए एक्सपेरिमेंट करते समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम जब भी किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एसिड को मिलाते हैं, न कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। सो व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, देखिएगा बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर ग्रेजुअली फॉर प्रिपेयरिंग और डाइल्यूट एसिड, द हीट रिलीज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हीट जनरेट होता है जब हम धीरे धीरे कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालते हैं, एंड एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और वो जो थोड़ी सी हीट जब जनरेट होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वेयर एज If water is added to concentrated acid, these are two different processes, students. Concentrated acid to water and water to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat produces which changes some of the water into a stream. जब हम
एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जो छोटे से थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है उसको स्टीम में भाप में चेंज कर देती है, विच कैन स्प्लैश द एसिड, एसिड को मींस स्पार्क कर सकता है, फैला सकता है ऑन आवर फेसेस एंड कॉजेस एसिड बर्न। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी, पूरी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आई हो। सो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने क्या देखा कि वे वैसे एसिड्स जो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो करके अ लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन रिलीज करें उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स उनके एग्जांपल सारे मिनरल्स एसिड्स जो है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके जनरली उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम किसी भी कंसर्न स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वो मीन्स क्या वाटर मिक्सिंग करके उसके स्ट्रेंथ को थोड़ी कम कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड उसके प्योर फॉर्म को कहते हैं जिसमें नो अमाउंट ऑफ वाटर या मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो, और डाइल्यूट किसे कहते हैं जब हम वाटर में उस कंसंट्रेटेड एसिड को मिला दें तो जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट टाइप इज वीक एसिड्स। वीक एसिड्स किसे कहते हैं, वैसे एसिड्स जो आयन में पूरी तरह आयोनाइज, पूरी तरह टूटे ना और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन रिलीज करें उसे हम वीक एसिड कहते हैं। दो एसिड्स विच पार्शियली मीन्स आधे अधूरे पूरे तरीके से नहीं, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन कॉल्ड वीक एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी मैंने बताए वो सारे वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, आपने देखा एसिड और उसके टाइप्स। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी वो आपकी आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है स्टूडेंट्स। सो तब तक पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, ऑल द वेरी